नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आप अगर चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज मैं लेकर आया हूँ आपको मंदिरों के शहर झालरापाटन में, जहाँ पे डोल यात्रा निकलने वाली है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं बता देता हूँ आपको डोल यात्रा होती क्या है। एक्चुअली में ये जो है ना, भारत देश के महाराष्ट्र और गुजरात में मनाया जाने वाला पर्व है, पर अब ये पूरे देश में फैल चुका है। पूरे देश में इसको हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यह त्यौहार हर साल फागुन मास की 11वीं तिथि को मनाया जाता है। इसे लेकर विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं भी है। इस त्यौहार को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। डोल ग्यारस का जो मुख्य उद्देश्य है वो है भगवान कृष्ण की पूजा और आराधना करना। खासकर वज्रभूमि के लोगों में भगवान कृष्ण के बाल रूप के प्रति भक्ति और सम्मान को दर्शाने के लिए पर्व मनाया जाता है। अब बात आती है इसको डोल यात्रा या डोल ग्यारस कहते क्या है, डोल एक्चुअली में होता क्या है। इस दिन जो लोग रंगीन डोल यानी कि पालकी, लकड़ी की पालकी या स्टील की पालकी, बहुत सारे स्टील की पालकी भी बनाते हैं, तो उसे डोल कहते हैं। तो वो जो पालकी है ना, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे बहुत सारी पालकियां बनाई जाती है जिनको लाइन से आगे ले जाया जाता है। उससे पहले आप देखिए कितने सारे भक्तगण यहाँ पे आए हैं और इतने हर्षोल्लास से इस पर्व की शुरुआत करने वाले हैं। और ये सभी लोग इकट्ठा हुए हैं सूर्य मंदिर, जो कि झालरापाटन का और राजस्थान का बहुत ही फेमस मंदिर है। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की बाल रूप में प्रतिमा विराजमान है। तो बस आप वीडियो में बने रहिए और देखते जाइए डोल ग्यारस का ये महापर्व। पूरे झालरापाटन निवासियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये रही सूर्य मंदिर की सबसे मुख्य पालकी, जो कि पीछे ही पीछे रहेगी। इसके आगे बहुत सारी पालकियां जाएंगी जिन्हें डोल कहा जाता है, और आगे मैं बताऊंगा आपको बहुत सारी जो पालकियां है ना वो भी यहाँ पे है। ये देखिए आप कितनी मात्रा में यहाँ पे डोल है और कितने मात्रा में लोग हैं। इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं जो अभी शुरुआत होने वाली है इस महायात्रा की, महापर्व की। और अब मैं आ चुका हूँ बिल्कुल आगे की तरफ, जहाँ से यात्रा की शुरुआत होने वाली है। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई है कब से, और नृत्य कर रही है, स्वागत कर रही है श्री कृष्ण भगवान का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पालकियाँ हैं, और बहुत सारे लोग अलग अलग पालकियों की जो आरती है वो कर रहे हैं। तो बस आप वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको एक एक पालकी बताऊँगा और लास्ट वाली जो बड़ी पालकी है वहाँ तक लेके जाऊँगा। बस आप आरती का आनंद उठाइए।
चुकी है आरती, अब होने वाली शुरुआत डोल यात्रा की। यहाँ पे हमें शैलेंद्र सिंह मिल गए, हमारे जो बहुत ही अच्छे मित्र हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है बाईपास रोड पर। बस अब मैं ले चलता हूँ आपको बिल्कुल शुरुआत में, जहाँ से डोल यात्रा की शुरुआत होने वाली है, जहाँ से मैं वापस आया था। और ये देखिए हमारी जो पुलिस है, झालावाड़ जिले की पुलिस हर जगह तैनात है, इनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। इनकी वजह से ही सारे जो पर्व है, सारे त्यौहार है, हम अच्छे से मना पाते हैं, क्योंकि हर त्यौहार को शांति और सुरक्षा के साथ मनाए जाने के लिए इनकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है हमें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ है, पुरुष और महिलाएं, बूढ़े बच्चे सभी आए हुए हैं इस महापर्व में शामिल होने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक के बाद एक पालकी आगे आने लगी है, यानी कि डोल यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कितनी ज्यादा मात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पे उपस्थित है। और ये रहे हरि गुप्ता जी, ये मेरे पापा जी के बहुत ही अच्छे मित्र हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि डोल यात्रा में बहुत ही प्रसिद्ध प्रसिद्ध लोग आए हुए हैं, जो कि अपने अपने डोल को आगे यात्रा में ले जाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इन त्योहारों के माध्यम से ही आप पता लगा सकते हैं कि हमारा भारत देश में, समाज में कितनी एकता और सामूहिकता है। यहाँ पर छोटा बड़ा, अमीर गरीब, हर एक जाति का आदमी आया हुआ है और इस महापर्व में शामिल हुआ है। इसी से समुदाय में आपसी प्रेम और सहयोग की भावना बढ़ती है, और इन्हीं सब कारणों से जो डोल ग्यारस का एक महापर्व है, एक महत्वपूर्ण और रंगीन उत्सव बन जाता है, जो कि धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व को बहुत ही अत्यधिक दर्शाता है।
तो इस अंतिम पालकी के साथ में झालरापाटन शहर की डोल यात्रा निकल चुकी है अपनी यात्रा पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस वालों ने भी बहुत ही अच्छी मदद की है, पुलिस प्रशासन द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है ताकि शांति और सुरक्षा से सारा काम हो सके। और साथ ही मैं सफाई कर्मियों की भी तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि हो रही गंदगी को ये साथ के साथ ही साफ करते हुए जा रहे हैं। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को भी धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय बाय। और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि सूर्य मंदिर को कितने शानदार तरीके से सजाया गया है, तो इन सभी लोगों के लिए जिसने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए थोड़ी सी भी मदद की है, उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। Thank you.